नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि जयनगर से दिल्ली के बीच में डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12561। ये जो ट्रेन है जयनगर बिहार से नई दिल्ली के बीच में डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। जयनगर से दिल्ली की जो दूरी है ये 22 घंटे 20 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 20 स्टेशन हैं। 1235 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। कोचेस के बारे में बात करें, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, AC इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। अगर बात करें स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के रूट मैप के बारे में, तो ये जो ट्रेन है जयनगर बिहार से अपनी यात्रा जो है स्टार्ट करती है, फिर दरभंगा होते हुए समस्तीपुर जंक्शन में इसका रिवर्सल होता है, फिर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, बलिया, गाजीपुर सिटी, वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़, गाजियाबाद होते हुए ये ट्रेन जो है नई दिल्ली में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। इस यात्रा को करने के लिए इसे 1235 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ता है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो जयनगर से नई दिल्ली तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। तो इसका कोचेस वाइज हम टिकट किराया डिस्कस कर लेते हैं जयनगर से दिल्ली तक का। जयनगर से दिल्ली तक का फर्स्ट AC का जो टोटल टिकट किराया है पर सीट वो है 3680 रुपये, जिसमें 3370 रुपये के करीब तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है। सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है। GST चार्ज 176 रुपये है। टोटल किराया 3680 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड AC के कोच भी हैं। सेकंड AC का जयनगर से नई दिल्ली तक का जो टोटल टिकट किराया है वो है 2175 रुपये, जिसमें 1976 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है। सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है। GST चार्ज 104 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी है। थर्ड AC का जो टोटल टिकट किराया है वो है 1525 रुपये, जिसमें 1367 रुपये तो बेस फेयर है, 40 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, 45 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है और GST चार्ज 73 रुपये है। थर्ड AC इकोनॉमी का भी एक कोच है, जिसका टोटल टिकट किराया 1425 रुपये है। बेस फेयर है 1272 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 40 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये, 68 रुपये GST चार्ज शामिल है। बाकी स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 6 कोच हैं, जिसका जयनगर से दिल्ली तक का टोटल टिकट किराया 580 रुपये बनता है, जिसमें बेस फेयर हैं 530 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज हैं 20 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज है 30 रुपये। टोटल किराया 580 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों के तकरीबन इस ट्रेन में 3 कोच हैं, जो कि इंजन की तरफ लगाए गए हैं, जिसका जयनगर से नई दिल्ली तक का जो टोटल टिकट किराया है वो है 330 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही जो है ये चार्जेस पे करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं जयनगर से नई दिल्ली तक चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन जो कि जयनगर बिहार से हर रोज़ शाम के 5:20 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22 घंटे 20 मिनट बाद नई दिल्ली में अगले दिन दोपहर के 3:40 पे 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। इसके तकरीबन 20 स्टेशन है। 1235 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है मधुबनी बिहार। यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 5:45 पे पहुँचती है और 5:47 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 31 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। सकरी जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 6:16 पे पहुंचती है और 6:18 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 48 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है SKI। इसके बाद यह ट्रेन जो है दरभंगा जंक्शन बिहार में पहुँचती है। दरभंगा जंक्शन बिहार में यह ट्रेन जो है शाम के 7:03 पे पहुँचती है और 7:08 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 67 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद समस्तीपुर जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है रात के 8:30 पे पहुँचती है और 8:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 25 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। यहाँ पर इसका इंजन जो है रिवर्स होता है।
और सरयू यमुना और शहीद एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है और 105 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन बिहार में रात के 9:45 पर पहुँचती है और 9:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। हर इतवार को अरनाकुलम बरौनी राप्ती सागर एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। हाजीपुर जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है रात के 10:50 पर पहुंचती है और 10:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 210 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है HJP। इसके बाद सोनपुर जंक्शन बिहार में रात के 11:03 पर पहुँचती है और 11:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 216 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उदयपुर सिटी गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। छपरा जंक्शन जो कि बिहार का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर रात के 12:35 पर पहुँचती है और 12:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद सुरैमानपुर में ट्रेन जो है रात के 1:16 पर पहुँचती है और 1:18 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 298 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। सुरैमानपुर का स्टेशन कोड है SIP। इसके बाद ये ट्रेन जो है बलिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है रात के 1:55 पर और 2 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 336 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BUY। इसके बाद ये ट्रेन जो है गाजीपुर सिटी में पहुंचती है रात के 2:55 पर और 3 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 400 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है GCT। गाजीपुर सिटी के बाद ये ट्रेन जो है ओडिहार जंक्शन में पहुंचती है रात के 3:43 पर और 3:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। ओडिहार जंक्शन उत्तर प्रदेश का स्टेशन है, यहाँ पर इसका स्टेशन कोड है ARJ और जयनगर से ओडिहार की जो दूरी है तकरीबन 440 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 4:40 पर पहुँचती है और 4:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 375 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BSP। इसके बाद ज्ञानपुर रोड में ये ट्रेन जो है सुबह 5:43 पर पहुँचती है और 5:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 536 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और यहाँ पर उधना दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ हर इतवार और बुधवार को क्रॉसिंग होती है। इसके बाद प्रयागराज जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 7:10 पर पहुँचती है और 7:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 600 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है PRYJ। और इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश में सुबह 9:35 पर पहुँचती है और 9:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 795 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है CNB। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने अगले स्टेशन अलीगढ़ जंक्शन में पहुँचती है। अलीगढ़ जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:08 पर पहुँचती है और 1:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1104 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो गाजियाबाद जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 2:48 पर और 2:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है गाजियाबाद के बाद जयनगर से चलकर नई दिल्ली में पहुँचती है दोपहर के 3:40 पर और अपनी 1235 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। इस यात्रा को कवर करने के लिए सिर्फ 22 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।